और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब जल्द ही दिल्ली से यूपी शिफ्ट हो सकती हैं। और इसी बीच प्रियंका को कल दिल्ली के सरकारी बंगले को खाली करने का भी नोटिस मिला है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले को छोड़ने का नोटिस दिया गया है। प्रियंका को 1 अगस्त तक इसे खाली करना होगा। दरअसल पिछले साल नवंबर से में गृह मंत्रालय ने एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था। इसके बाद गांधी परिवार से एसपीजी कवर वापस ले लिया गया था। अब इन तीनों के पास जेड प्लस सुरक्षा है, वो भी सीआरपीएफ के साथ। प्रियंका गांधी को इसी प्रोटेक्शन के तहत लोधी एस्टेट में एक सरकारी बंगला अलॉटेड था। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति को लेकर काफी सक्रिय है और राज्य में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अब लखनऊ में ही रहने का मन बना लिया है। और न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, अब ये कहा जा रहा है कि शायद लखनऊ में रहेंगी प्रियंका गांधी, क्या वो पहले से मन बना चुकी थी या सिर्फ इस नोटिस का इंतजार कर रही थी? देखिए, जिस वक्त एसपीजी सिक्योरिटी हटाई गई थी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहाँ से, उसके बाद ही प्रियंका गांधी को इस बात का एहसास या आभास हो चला था, क्योंकि सोनिया गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन सोनिया गांधी को सिर्फ एसपीजी प्रोटेक्टी होने के चलते ही लोधी स्टेट का बंगला मिला हुआ था और उन्हें जानकारी मिली हुई थी कि वो एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद सरकार की तरफ से कभी भी नोटिस आ सकता है। ऐसे में जो लखनऊ में शीला कौल का बंगला है या शीला कौल का घर है, उसमें वो टेम्प्रेरी रहेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका बेटा और बेटी दिल्ली में रहते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमेशा के लिए लखनऊ में ही रहें, खासतौर पर अभी जबकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। इसीलिए प्रियंका गांधी एक यहाँ पे निवास ढूंढना भी शुरू कर दिया है उन्होंने, और जो भी बकाया राशि थी उसका भुगतान भी कर दिया है। लेकिन जहां तक राजनीतिक बातें हैं कि एसपीजी सुरक्षा हटाने के वक्त भी काफी ज्यादा बवाल बात पर हुआ था कि एसपीजी जो सिक्योरिटी दी गई थी वो राजीव गांधी की हत्या या उनसे पहले भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरकार ने फैसला किया था कि गांधी परिवार को एसपीजी सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन संसद में बहस के दौरान अमित शाह ने कहा था कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलेगी और इसीलिए उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। सरकार के पास अधिकार होता है, होम मिनिस्ट्री के पास अधिकार होता है कि जेड प्लस सिक्योरिटी के आधार पे भी वो एकोमोडेशन दे सकती है,